दोस्तों नमस्कार। पर्यावरण दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। मैंने इस वीडियो में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कुछ अपने विचार रखे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। जैसा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, देखिए हम जानते हुए भी अपने निजी स्वार्थ के लिए जंगलों को अनावश्यक रूप से काट करके पर्यावरण को असंतुलित कर रहे हैं। आज बड़ा शोचनीय विषय है। कहा भी जाता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने से प्रकृति अपना क्रूर रूप धारण करके हम ही लोगों को नुकसान पहुंचाती है, और फिर भी हम लोग इस चीज़ को, इन बातों को भूलकर अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने क्षणिक आनंद के लिए पेड़ों को और जंगलों को अनावश्यक रूप से काट कर इस इकोसिस्टम को असंतुलित कर रहे हैं। यहाँ तक कि पेड़ों को ही नहीं, आज जंगलों में पशु पक्षी, जंगली जानवर असुरक्षित हैं, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कारण ये हम ही लोगों का नासमझी का प्रतिफल है कि हम जंगली जानवरों को भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए नुकसान पहुंचाकर आज इस इकोसिस्टम को, इस नेचर को असंतुलित करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। केवल मानव जीवन ही दुखी नहीं है, बल्कि जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सब दुखी हैं। कारण जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा परितंत्र है, वो असंतुलित हो चुका है। आज ये देखिएगा कितने हरे भरे पेड़, सुंदर फूल, गॉड भगवान का दिया हुआ रूप, कलाकारी, और इसको हम बिगाड़ रहे हैं। आज बिगाड़ करके स्वयं भी दुख के भागीदार बन रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं। आज कोरोना काल में देखिए सब डरे हुए हैं, फिर भी हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हम कैसा आनंद उठा सकते हैं, किस आनंद की प्राप्ति करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के ये बहुत चिंता का विषय है। चलो आज प्रण करें इस विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी मिलकर वृक्ष लगाएं, लगे हुए वृक्षों को नुकसान ना पहुंचाएं, पशु पक्षियों को बचाएं, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, सुरक्षित रहे और पृथ्वी स्वर्ग बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका एक बार फिर से बधाई, सहृदय बधाई देता हूँ सभी को। ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें।
तब तक के लिए धन्यवाद।